नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 20 करोड़ के मोबाइल फ्रॉड, 8 आरोपी गिरफ्तार, 300 से ज्यादा मोबाइल जब्त। बालाघाट पुलिस ने सेंट्रल और कई जांच एजेंसियों के साथ 20 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड पकड़ा है। दर इस मामले में बालाघाट पुलिस ने 300 से अधिक मोबाइल, 75 से अधिक क्रेडिट कार्ड, लैपटॉप, टीवी और 10 लाख रुपए नकदी कैश जब्त कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इस नेटवर्क में 700 से अधिक ऑपरेटर शामिल थे। इसमें बालाघाट समेत 18 राज्यों की पुलिस की अहम भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मामले का खुलासा किया। बालाघाट से जिला ब्यूरो नीरज काकोटिया की रिपोर्ट। पैन इंडिया एक साइबर फ्रॉड नेटवर्क है जो आईबी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका मैं झारखंड पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस और उनके साथ साथ लगभग 18 राज्यों के विभिन्न जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, अन्य सेंट्रल एजेंसीज हैं, उन सभी के सहयोग से एक हमको मेजर नेटवर्क ब्रेक करने में सफलता हासिल हुई है। अभी तक उसमें जो उस नेटवर्क के लगभग हम लोग 700 से 750 लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जो एक्चुअल लोग हैं जो इस तरह का अलग अलग तरीके के फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। इनमें आपका OTP फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, उनके अलावा जो फेक IDs या फेक एड्रेसेस, फेक सिम का यूज़ करके ई कॉमर्स फ्रॉड जो करते हैं वो फ्रॉड है, टैक्स फ्रॉड, ब्लैक मार्केटिंग और इसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह की चीज़ें इसमें सामने आई हैं। इसमें जो इस पूरे नेटवर्क को रन करने के लिए जो मुख्य लोग, जो 7-8 मुख्य लोग थे, उन सभी को राउंड अप करने में ये जो हमारी इंटरस्टेट जॉइंट टीम है उसने सफलता हासिल की है। इसमें से काफ़ी हमारे आरोपी झारखंड पुलिस की मदद से झारखंड में गिरफ्तार हुए हैं, कुछ आरोपी मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुए हैं और कुछ आरोपी आंध्र प्रदेश में भी गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह से इस बड़े एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है। हमें अभी तक जो एनालाइज हमने किया हुआ है उससे समझ में आ रहा है कि पिछले 4-5 महीने 6 महीने में इन्होंने लगभग 20 करोड़ का या उससे अधिक का जो प्रोडक्ट्स हैं ई कॉमर्स साइट्स की मदद उपयोग करते हुए इन्होंने ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट में इसको खपाया है। और इसमें कुछ कुछ मामले ऐसे भी हैं गंभीर हैं जिसमें ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के द्वारा जो मनी हासिल की है, जो पैसा लोगों को फ्रॉड करके हासिल किया उसका उपयोग किया गया है। तो इसी सभी बिंदुओं पर एक मल्टी टीम एक जांच चल रही है और उसमें कार्रवाई भी काफ़ी तीव्रता से हो रही है। ये आप जो देखेंगे अभी लगभग हमारे पास 300 से अधिक मोबाइल फ़ोन जो हमने जब्त किए जा चुके हैं अभी तक, जो ये हुआ है लगभग 75 क्रेडिट कार्ड जो हैं वो फ्रोजन हैं, जो कि इनसे डायरेक्टली लिंक्ड हैं। करीब बैंक अकाउंट्स भी इसमें हैं, जो 30 बैंक अकाउंट्स हैं जो अभी तक हम लोग डायरेक्टली इन मुख्य आरोपियों से चिन्हित करके फ्रीज करा चुके हैं। इसमें अन्य भी कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट का है जिसमें हम लोग सिलसिलेवार तरीके से विवेचना करके आगे भी उन पर कार्रवाई करेंगे।